आज द जॉन एंकरबर्ग शो में परमेश्वर ने सटीक भविष्यवाणी दी सैकड़ों साल पहले ही उस खास व्यक्ति के बारे में जिसे वो पृथ्वी पर भेजने वाला था जिसे मसीहा कहेंगे। परमेश्वर ने कौन सी सटीक भविष्यवाणी दी थी? हिब्रू वचन में वो कहां पाए जाते हैं? जिन यहूदी लोगों को भविष्यवाणी दी गई थी क्या उन्होंने जाना कि उन्हें विशेष प्रतिज्ञाएं दी गई है जो आने वाले मसीहा के बारे में दर्शाती हैं। इस सीरीज में हम देखेंगे 16 भविष्यवाणियां जो यहूदी लोगों को दी गई थी, आदम से अब्राहम तक, मूसा से दाऊद तक, यशया से दानियल और जकरिया तक। हम देखेंगे कि ये भविष्यवाणी महत्वपूर्ण है, ये साबित करती है कि यीशु ही परमेश्वर का मसीहा है। मेरे पहले मेहमान हैं डॉक्टर वॉल्टर काइजर। ये एक थियोलॉजियन है, बिब्लिकल स्कॉलर है हिब्रू वचन में, आज अमेरिका में। डॉक्टर काइजर प्रेसिडेंट इमेरिटस और अद्भुत प्रोफेसर हैं पुराने नियम के गॉर्डन कॉनवेल थियोलॉजिकल सेमिनरी में हैमिल्टन मैसाचुसेट्स में। और दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर डेरिल बॉक। ये एक लीडिंग थियोलॉजियन और बाइबल के विद्वान हैं नए नियम के वचनों पर। ये सीनियर रिसर्च प्रोफेसर हैं नए नियम के स्टडी में और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कल्चरल एंगेजमेंट डेलस थियोलॉजिकल सेमिनरी डेलस टेक्सस में। हमारे साथ जुड़ जाएं इस खास एडिशन द जॉन एंकरबर्ग शो में। आज के प्रोग्राम में स्वागत है, दो महान मेहमान हैं डॉक्टर वॉल्टर काइजर और डॉक्टर डेरिल बॉक। आपने इनके बारे में जानकारी देखी, हम अद्भुत मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आप सोचते हैं, चलिए सवाल पूछूं, क्या इतिहास में सबूत है कि परमेश्वर ने सटीक बताया है, भविष्यवाणी दी है, प्रतिज्ञाएं सैकड़ों साल पहले, शायद हजारों साल पहले ही उस व्यक्ति के बारे में जो भविष्य में भेजेगा जिसे मसीहा कहेंगे? क्या यहूदी लोग जिन्हें जानकारी दी गई क्या उन्होंने इसे जाना कि उन्हें विशेष जानकारी दी गई है, खास प्रतिज्ञाएं दी गई है जो उसके बारे में बता रही थी भविष्य की ओर? और क्या यह भविष्यवाणी यीशु के बारे में बता रही थी या किसी और के बारे में? परमेश्वर ने अपनी केस यहां पर बाइबल में रखी है और कहता है, और कौन इसे कर सकता है? सच में वो कहता है, यदि तुम मेरे साथ स्पर्धा करना चाहते हो तो अपनी बात कहो। वो कहता है, मैं ही परमेश्वर और कोई नहीं, और जो कहता हूं वो सत्य है। और हम देखेंगे हम केस में क्या ये सत्य है, क्या ये सच में हुई। और डेरिल, हम नए मुद्दे को शुरू करेंगे, लेकिन सारांश में बताइए उन लोगों के लिए जो पिछले हफ्ते चूक गए हैं। ठीक है, वो सब लोग जो पिछले हफ्ते प्रोग्राम चूक गए, हमें बताइए कौन सी तीन पहली भविष्यवाणी देखी थी? हमने उत्पत्ति 3 से शुरू किया था कि एक बीज जो स्त्री से आएगा और वो दुष्ट की हार को दर्शाएगा, जो सर्प को दिखाता है। और फिर हमने देखा उत्पत्ति अध्याय 9, प्रतिज्ञा थी कि शैम के घराने से, यानी शैमी से ये व्यक्ति आएगा। और फिर हमने किसी तरह से बहुत महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा को देखा, इब्राहिम की प्रतिज्ञा की जाती होगी और वो बीज आएगा जो सारी पृथ्वी के लिए आशीष होगा। यानी क्या हो रहा है कि सारी मनुष्य जाति में से प्रभु धीरे से सकरा होकर हमें बता रहा है कि ये विशेष व्यक्ति कौन होगा। जी, ये अद्भुत है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये अद्भुत है। मतलब मेरे लिए ये अद्भुत है जब हम इसे देखते हैं, परमेश्वर इतिहास में जुड़ा है, जानकारी देता है, वहां उस समय जो लोग रहते थे उन्हें वो बताता है और साथ ही भविष्य की ओर बताता है। अब वॉल्टर, हम पिछले हफ्ते इब्राहिम के बारे में देख रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे उसके बीच से प्रतिज्ञा। प्रेरित पौलुस कहता है कि ये आगे जाकर ये यीशु के बारे में है जो संसार को बचाता है। ये तो स्त्री का बीज बेटा है जो शैतान के सिर को कुचलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने और भी प्रतिज्ञाएं की थी इब्राहिम से। चलिए मैं पढ़ता हूं। उसने कहा, इब्राहिम, अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, ये उसका पुराना नाम था, लेकिन अब से तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया। अब बड़ी बात यह है, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा। और यहां पर अचानक वो उसे नया क्लू देता है, और तेरे वंश से राजा उत्पन्न होगे। ये किस बारे में है? खैर, ये मसीहा का एक और गुण है। हम उत्पत्ति 3 में उसके मनुष्य की शुरुआत देखते हैं, पहली प्रतिज्ञा,
और फिर यहाँ वो आता है स्वर्ग से कि मनुष्य में वास करे, उसका अलौकिक भाग, और फिर मनुष्य को बुलाता है कि पृथ्वी के सब लोगों की सेवा करे कि वो भी आशीष पाए, और फिर वो बताता है कि ये मसीहा राज्य करेगा, राजा अद्भुत राजा होगा सारी पृथ्वी पर कि सब पर राज्य करें। तो वो प्रतिज्ञा शुरू करता है और याकूब के साथ वो एक और बात दिखाता है कि ये मैसियानिक राजा आएगा कि वो मसीहा होगा और वो ही हमारा प्रभु यीशु है जी, और पीढ़ी परमेश्वर से और सकरा करता है और उसमें से वो विशेष आने वाला था। इसके बारे में बताइए कि वो इसे कैसे सकरा करता है। जी, वो सकरा करता है कि इस केस में इब्राहिम से उसके बेटे इसहाक पर और फिर उसके बेटे याकूब पर, और ये हमें 250 साल बताते हैं जो पिता का समय है जिसे हम पेट्रिया कहते हैं, और हम यही ये कहानी देखने लगते हैं मसीहा की, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु और ईश्वरों का परमेश्वर। जी, परमेश्वर ने इसहाक और याकूब से प्रतिज्ञा की थी कि वो आशीष पाएंगे और उसके द्वारा बीज आएगा, और परमेश्वर प्रतिज्ञा पूरी करेगा इब्राहिम से और इसहाक से और याकूब तक, और याकूब से उसने ये भी बताया कि राजा के बारे में उसने कहा कि तेरे वंश से राजा उत्पन्न होगे। देखिए यहाँ पर क्लू दिया है राजा, हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। डरल, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर राजा शब्द आया है। ये नहीं कह रहा कि एक राजा अपने आप आएगा, लेकिन ये कहता है एक लाइन, एक डायनेस्टी, राज्य करने वालों का एक सेट होगा जिसे प्रभु काम करेगा, और आगे जाकर ये अपने आप एक खास राजा होगा जो सबको छुड़ाएगा। यदि कहा जाए तो ये मुख्य है कि हम ये कहानी देखें, कि हम देखते हैं हालांकि ये सकरा हो रहा है, ये खास व्यक्ति तो बहुत से व्यक्तियों में से बाहर आ रहा है जो इसमें जुड़ेगा। इसलिए बाइबल की कहानी अद्भुत है क्योंकि एक व्यक्ति आने वाला है राजा के बाद राजा के बाद राजा के बाद राजा, जिसका जोड़ नहीं, वो ऐसे थे जो इनसे मेल न खाएं और प्रभु ने जिसकी प्रतिज्ञा की उन्हें ना छुड़ाएं। तो हम अलग ही राह देखें जो विश्वास योग्य तरीके से प्रभु की बातों को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए पांचवी प्रतिज्ञा देखते हैं, महान राजा के बारे में याकूब का अनुमान, और ये वचन है उत्पत्ति 49, और फिर याकूब ने अपने बच्चों को ये कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। फिर मैं वचन 10 देखना चाहता हूँ, राजदंड उसके एक बेटे से दूर ना होगा, वो अपने एक बेटे का नाम लेता है यानी यहूदा से, और आगे वो कहता है कि व्यवस्था देने वाला उनसे अलग ना होगा और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे, राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। अब डॉक्टर काइजर, मैं चाहता हूं कि आप इसे समझाइए, क्योंकि कुछ अनुवाद जैसे न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल कहती कि शिलो के आने तक, यानी ये शिलो कौन है, या इस तरह का अनुवाद क्यों किया गया है? ये एक और प्रतिज्ञा है क्योंकि याकूब परमेश्वर की ओर से एक और घोषणा करता है कि सच में एक राजा होने वाला है, और वो तो होगा न रूबन से, न लेविया से, न शेमोन से, यानी ये पहले दूसरे और तीसरे बेटे थे, ये चौथा बेटा था यहूदा को चुना गया और उसे चिन्ह दिया गया राज्य करने का, उसे राजदंड दिया गया, उसे राज करने का अधिकार मिलता है, और वो कहता है कि मैं ये तुम्हें देता हूँ जब तक शैलो ना आ जाए, और शैलो कौन है, और ये तो एक शब्द है जो है SHE या SHI, और ये उसका एक भाग है, और फिर दूसरा भाग है L और O यानी वो, और इसका अर्थ केवल यही नहीं आया लेकिन बाद में यह स्केल की किताब में ये कहता है जिसे राजदंड दिया गया। दूसरे शब्दों में ये यहूदा के गोत्र से होगा, यानी हमें देखना होगा इस राजा को, इस अधिकारी को जो आएगा, लेकिन वो आएगा यहूदा के गोत्र से जो चौथा बेटा है, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं। ये जरूरी क्यों है? जी, फिर से हम जिसे देख रहे हैं उसमें और सक्रिय हो रहे हैं,
हम सारी मनुष्य जाति से शैम की संतान में गए, फिर इब्राहिम के परिवार तक, अब हम उसकी संतान देख रहे हैं। और उसकी संतान यानी ये इज़राइल के 12 गोत्र थे, उन 12 में से एक ही जिसमें हम ये खास व्यक्ति देख रहे हैं जो यहूदा के गोत्र से था। ठीक है, अब हम ब्रेक लेंगे और वापस आने पर देखेंगे और भी चीज़ें हैं जो परमेश्वर यहूदी लोगों पर प्रकट करता है, और ये बहुत सी चीज़ें हैं। हम इसे देखेंगे, हम डॉट्स जोड़ने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ ले जा रहा है और इसका क्या अर्थ है, और परमेश्वर बहुत सी जानकारी देगा। इस पहली के और भी भाग हम जोड़ेंगे, वापस आने पर इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर वॉल्टर काइजर से और डॉक्टर डेरिल बॉक्स से। हम मैसेनिक भविष्यवाणी पर चर्चा कर रहे हैं जिसे परमेश्वर ने बाइबल में रखी है। मतलब क्या ये सच है? क्या ये सच में हुआ है? क्या परमेश्वर ने इन लोगों को ये जानकारी दी है? क्या ये वचन में लिखी गई है हजारों साल पहले ही, जिसे आप अभी पढ़ सकते हैं और खुद जांच सकते हैं? जवाब हाँ है, और हम इसे देख रहे हैं। ये हमारे साथ में जुड़े हैं। पहली बात जिस पर चर्चा की थी, उत्पत्ति 3:15 यानी स्त्री का बीज जो आएगा वो सांप के सिर को कुचलेगा, ये एक मनुष्य होगा, खासकर बताया है ये शेम के तंबू में वास करेगा। प्रभु इसे सकरा करके शेम में लाता है, या ग्रीक तरह से कहे तो सेमाइट से, अब्राहम के वंश से। प्रभु कहता है कि इस एक व्यक्ति के वंश से जो आएगा, जो सारी पृथ्वी को आशीष देगा। इसहाक से, इश्माइल से नहीं, याकूब से, एसाव से नहीं, यानी इसहाक का आधा वंश हटाया गया। और हम राजाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और हम यहाँ पर स्क्रीन पर वचन भी देख रहे हैं। यहाँ पर एक अजीब मनुष्य का नाम आता है जिसका नाम है बिलाम। ठीक है, इसराइल के भविष्य के राजा के बारे में बिलाम की भविष्यवाणी ये पाई जाती है गिनती में, उत्पत्ति निर्गमन व्यवस्था गिनती 24:17 में। और यहाँ बिलाम की भविष्यवाणी है, वचन 17 से शुरू होती है, मैं उसे देखूंगा परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इसराइल में से एक राजदंड उठेगा। और वचन 19 में वो कहता है, याकूब ही में से एक अधिपति आएगा और नगर में से बचे हुओं का भी सत्यानाश करेगा। डॉक्टर काइजर, इसके बारे में बताइए। जी, ये परमेश्वर की योजना की छठी प्रतिज्ञा है। ये योजना बन रही थी और इसमें व्यक्ति के बाद व्यक्ति जुड़ रहे थे, और हमने देखा है कि इसने ये विचारधारा जोड़ी है। और यहाँ एक अद्भुत व्यक्ति आता है, और ये तो यहूदी नहीं है, ये तो गोइम यानी अन्य जाति था, और वो आता है ऊपर से यानी वर्तमान के उत्तरी इराक से, और वो नीचे आकर ये भविष्यवाणी देता है, और वो कहता है कि एक तारा याकूब से आएगा। खैर, ये राजा के बारे में बताने वाली भाषा थी, अधिकारी, और इसे स्पष्ट रूप में बताएं, और इसके साथ कहता है एक राजदंड इसराइल से आएगा। शायद कहे मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। वचन 19, याकूब से एक अधिपति आएगा, यानी ये भी जिसे इसराइल को शाप देने के लिए बुलाया गया था, वो कहता है मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये आशीषित है, लेकिन मैं तुम्हें ये बताता हूँ, तुम्हें ये मुफ्त में देता हूँ। और वो कहता है कि एक तारा आएगा, राजदंड आएगा और अधिपति होगा, और मैं आपके राजा ने इसे पैसे दिए थे कि शाप दे इन लोगों पर, उसने काम नहीं किया, इसके बजाय जो उन्हें आशीष दे रहा था प्रभु की ओर से। ये तो टाइप बाय टाइप फार्मूला से चलता है। एक तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूँगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे, यानी तीन तरीके हैं जिससे हम परमेश्वर की पूरी योजना को तीन भागों के फार्मूला में रखते हैं। ठीक है, सातवीं भविष्यवाणी अब इस समय हम देखेंगे। ठीक है, प्रभु ने हमें जानकारी दी, लेकिन अब ये जमा होने लगा है, ये इकट्ठा होने लगा है, और ये हमें बताने लगा है कि क्या हो रहा है, और ये तो चकित करने वाला है। ठीक है, ये है व्यवस्था विवरण अध्याय 18 वचन 15 में। सबसे पहले मूसा कह रहा है, वो कहता है तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, लोगों से वो कह रहा है तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, और आगे वो कहता है तू उसकी सुनना।
फिर सर्वसामर्थी परमेश्वर ने लोगों से कहा, मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और मैं अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वो उनको कह सुनाएगा। जो मनुष्य मेरा वो वचन जो वो मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। डॉक्टर काइजर, इसे आप समझाइए। ये अद्भुत है। परमेश्वर अपना अर्थ दे रहा है, उसका अर्थ, उसका महत्व मनुष्य द्वारा। और यहाँ ये भविष्यवक्ता है, लेकिन वो केवल ये नहीं कहता कि मूसा वो भविष्यवक्ता है, लेकिन एक निश्चित भविष्यवक्ता होगा मूसा के जैसे ही, और वो उन्हीं लोगों में से आएगा, यानी वो यहूदी होना चाहिए। और वो क्या करने वाला है? वो अलौकिक शब्द कहेगा और वो सब कहेगा जो परमेश्वर पिता उससे कहता है, और यदि कोई न सुने तो परमेश्वर उनका लेखा लेगा। ये वचन इतना महत्वपूर्ण है। डेरिल जी, हाँ, मुख्य बात यह है कि मूसा जैसा भविष्यवक्ता और आगे जाकर हम देखते हैं यहोशू जैसा व्यक्ति, यहाँ हमारे पास लीडर भविष्यवक्ता है। ऐसे भी भविष्यवक्ता थे जिनका सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र नहीं था और परमेश्वर के साथ चलने में उनके समय को छोड़, लेकिन मूसा ने लोगों को छुड़ाया था। वो मिस्र से छुटकारे के लिए जिम्मेदार था और यहोशू देश को जीतने का काम पूरा करता है, लेकिन यहोशू ही सब नहीं था। यानी मूसा जैसे भविष्यवक्ता, यानी यहोशू के बाद यहूदी लोग इस भविष्यवक्ता की राह देखते रहे, मूसा जैसे व्यक्ति की जो छुड़ाएगा, ये व्यक्ति जो अगवाही करे, ये व्यक्ति प्रकट करेगा, ये व्यक्ति जो प्रतिज्ञा पूरी करेगा। ये किस बारे में है? यानी वचन हमें बताता है कि भविष्यवक्ताओं में एक अद्भुत स्तर होता है, यानी विशेष स्तर, जैसे मूसा था और हम उसी की राह देख रहे हैं कि वो आए। ठीक है, अब थोड़ा बताइए कि ये भविष्यवाणी कितनी विशेष है। मैं शुरू करना चाहता हूँ वॉल्टर, व्यवस्था विवरण अध्याय 34 वचन 9 से 12 तक। अब नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इसराइली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते थे। और मूसा के तुल्य इसराइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा। कुछ यहाँ कुछ विशेष गुण है जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की, और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था, और उसने सारे इसराइलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। उसने सारे इसराइलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। ठीक है, अब वो खुद का विवरण देता है, और यदि किसी के बारे में कह रहा है तो वो सुपर डुपर होगा जो आने वाला है। कितना सुपर? ओ, ये एक और स्वभाव गुण है। ये जो मसीहा है, जो आने वाला है, वो केवल मनुष्य और अलौकिक ना हो, लेकिन साथ ही वो राजा होने वाला था और भविष्यवक्ता भी, और भविष्यवक्ता के रूप में उसके पास अलौकिक संदेश था, और केवल उतना ही नहीं, वो उसके द्वारा अलौकिक काम करने वाला था, क्योंकि मूसा जैसे ही केवल सुपर तरीके से, यदि हम देखें कि मूसा ने क्या किया था, लाल समुंदर को विभाजित किया परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा और स्वर्ग से मन्ना बरसाया, इसके बारे में क्या जो अब सारे स्वर्ग को हमारे लिए खोलने वाला था अपने अद्भुत कामों से। जैसे हम देखते हैं वो हम में रहने के लिए आया, लगभग 3 साल तक, यानी भविष्यवक्ता के वचन और भविष्यवक्ता के काम दोनों गवाही देते हैं उसके अलौकिक होने के बारे में। ये मसीहा परमेश्वर का पुत्र होना चाहिए, और कौन इस तरह का काम कर सकता है? और कोई नहीं कर सकता है। जॉन, मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में थोड़ा और भी बताइए इसके पहले कि हम आगे बढ़े। जरूरी था कि वो बहुत ही बड़ा हो मूसा से बहुत से तरीके से। कैसे यीशु मूसा से बहुत ही बढ़कर था? जी, यह दिलचस्प बात है। जब हम यीशु के समय से आते हैं, लोग तब भी उस व्यक्ति के बारे में खोज रहे थे, जो वो उसे खोज रहे थे जो मूसा से बड़ा था, जिसे अक्सर नए नियम में वो आने वाला कहते हैं।
तो योहन्ना बपतिस्मा दाता से पूछा गया कि तू वही आने वाला है? नहीं, मैं नहीं हूँ। और सच में कुछ वचन में बताया गया वो मैं नहीं, लेकिन इस तरह तुम उसे पहचान पाओगे, तुम उसे जानोगे, क्योंकि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें परमेश्वर की आत्मा से बपतिस्मा देगा, और मैं, जानते हो, मैं भविष्यवक्ता हूँ, लेकिन मैं उसके जूते के बंधन खोलने के लायक नहीं हूँ। वो आने वाला है और वो अलग स्तर का है। फिर दूसरा उदाहरण यह है कि योहन्ना बपतिस्मा दाता खुद यीशु से पूछता है, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देख रहे हैं? और यीशु ने इस सवाल का जवाब सामान्य रूप में नहीं दिया। सच में उसे पूछना चाहिए था, क्या आने वाला तू ही है, हाँ या नहीं? क्योंकि यदि यीशु से अलग तरह से पूछा जाए तो वह ऐसे जवाब देंगे जिसके बारे में सोचना पड़ेगा। यीशु ने यही किया और उसने कहा, जाकर योहन्ना को बताना जो तुम सुनते हो और देखते हो। और वो कहता है, जैसे अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं और मुर्दा जिंदा होते हैं और कलंकों की सुसमाचार प्रचार किया जाता है, यदि आप इनमें से हर शब्द को देखें, ये सब यशायाह से आते हैं और बताते हैं कि जब छुटकारे का समय आएगा तो परमेश्वर क्या करेगा। वो हाँ या नहीं में नहीं बताता, वो कहता है, देखो वही कर रहा हूँ जो आने वाले को करना है, और वो सब कर रहा हूँ। ये यहाँ एक चमत्कार और वहाँ एक चमत्कार नहीं है, ये पूरी क्रिया है जो दिखती है कि परमेश्वर उनके माध्यम से है। जैसे वो यीशु द्वारा काम करते हैं तो यीशु मूसा से बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं यीशु की ओर। और जिन लोगों ने उसे देखा उन्होंने उसकी तुलना की वहाँ पर, और वो कैसे मूसा से बहुत ही बढ़कर था। जी, सामान्य रूप में यदि मूसा को नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, हम यही कह रहे हैं। और जब हम यीशु को देखते हैं तो उसे हर तरह का काम करते देखते हैं। हम देखते हैं पाप माफ करते, हम उसे लोगों को मुर्दा जलाते देखते हैं, हम उसे ऐसे चमत्कार करते देखते हैं जो पुराने नियम में नहीं देखे, जैसे अंधे को चंगा करना, उसे पानी पर चलते देखते हैं। ये पूरा रिज्यूमे है अलौकिक काम का और अलौकिक प्रेरणा से पाई क्रिया का जिसमें वो जुड़ा है, वो इसमें सीधा जुड़ा है। कुछ बातें जैसे यीशु के चमत्कार, उसकी तुलना यीशु के और दूसरों के चमत्कार से करें। जब दूसरे इसे करते हैं वो इसके लिए प्रार्थना करते और वो किसी मध्यस्थ का उपयोग करते कि वो काम पूरा हो जाए। यानी हम ये देख रहे हैं कि मूसा से बढ़कर यीशु, और ये देखते हैं और ये बड़ी बात है। जैसे यहोशु ने यरीहो के चक्कर काटे और सहरपना गिर गई, ये अच्छा था, लेकिन यीशु ने जो किया उसकी तुलना में कुछ नहीं था। इस विशेष अलौकिक काम में जो उसके साथ होता है ये अद्भुत था। नया नियम इसे चिन्ह और चमत्कार करता है, ये इस सच्चाई को बताता है कि यीशु वही था जिसका उसने दावा किया था। और अजीब बात यह थी कि नए नियम में बहुत से यहूदी लोग यीशु के पास इकट्ठा होकर कहते थे, हमें स्वर्ग से चिन्ह दिखा कि जो तू है वही है। मैं अपने विद्यार्थियों को कहता हूँ, वो क्या पूछ रहे थे? यीशु हर तरह के काम में व्यस्त था, वो हर समय इसे देख सकते थे, ये देखते हुए कि प्रभु उनमें काम कर रहा है। जो लोग सुन रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि इस प्रोग्राम से वो क्या ले, मुख्य बात क्या है? जी, प्रेरित 3 बहुत ही स्पष्ट है। पत्रस खड़े होकर कहता है कि यीशु ही मूसा जैसा भविष्यवक्ता है, और अंत में वो कहता है कि यदि ये यीशु जो होने का दावा करता है, याद रखे वो थोड़े दबाव में थे क्योंकि वो दोषी थे, क्योंकि उन्होंने रोमियों द्वारा यीशु को मारा था, क्रूसीकरण किया था अगुओं द्वारा। यदि ये वही है जिसका दावा किया था तो तुम्हें उसकी सुननी होगी। ये अगुआ भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता वो है जो परमेश्वर की ओर से बोलता है। जैसे पुरानी कहावत है, जब प्रभु कहता है तो हमें सुनना चाहिए, यानी सब कुछ, कि वो कौन है, वो क्यों आया है, वो हमारे लिए क्या करता है, कि पापों की क्षमा करे और जीवन में आगे बढ़े और जीवित परमेश्वर की ओर पहुंचे, ये सब यहाँ लिखा गया है। और सामान्य रूप में पत्रस यही कहता है, यदि हम परमेश्वर के साथ सही तरह से रहना चाहते हैं तो हमें मूसा जैसे भविष्यवक्ता को सुनना होगा। वॉल्टर, इस वचन के बारे में आप क्या कहेंगे? ये समझना कि ये जिसकी प्रतिज्ञा की गई और वो आने वाला है, जिसके बारे में वचन 66 किताबें जो 1400 साल में लिखी गई, 3 अलग महाद्वीपों से, यूरोप, अफ्रीका, एशिया से, और 3 अलग भाषाओं में, यानी कि हिब्रू, अरमेक और ग्रीक में, यानी एक शीर्षक है, एक कहानी, पूरी तरह एक ही योजना है। और ये भाग कि जो भी सुनाता और विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा, और जो सुनते हैं वो अनंत जीवन पाएंगे। इसलिए आने वाले इस परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास और भरोसा करने से, यानी जो एक बार
आया है और फिर से आएगा। अद्भुत बात है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप इसे ले रहे हैं और इसे अपनी बाइबल में देख रहे हैं, ठीक है, और ये आपकी अगुवाई करे, ये निश्चय आपको लेकर चले उसकी ओर जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में हम कहते जा रहे हैं। वो आपकी देखभाल करना चाहता है और निश्चय ही हम इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस पर आप देखते चले जाएं कि मूसा और यीशु की तुलना में, जो कि दाऊद के बारे में भी है, आशा है कि आप जुड़ जाएंगे। आज प्रोग्राम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपने इस प्रोग्राम का आनंद उठाया, इन दो विद्वानों से सुना, डॉक्टर वॉल्टर काइजर और डॉक्टर डेरिल बॉक्स से, जैसे ये हमें 16 भविष्यवाणी बताते हैं जो साबित करती है कि यीशु ही मसीहा है। और मैं इसे अद्भुत देखता हूँ कि परमेश्वर ने कितने स्पष्ट रूप में हमें ये बताया है और कैसे पुराने नियम को उसने बहुत ही सटीक रूप में भविष्यवाणियों से भर दिया है। सैकड़ों सालों में बहुत से लोगों के द्वारा जो सिद्धता से यीशु के बारे में बताते हैं, और जैसे इसमें से कुछ आज हमने देखे हैं, मैं जानता हूँ ये आपके विश्वास को मजबूत करता है कि आप जाने कि यीशु परमेश्वर का प्रतिज्ञा का मसीहा है, जो इस संसार में आपके पापों से बचाने के लिए आया है और सदा के लिए राज्य करने वापस आएगा। अगर आप किसी को जानते हैं जो सवाल करते हैं कि क्या यीशु जो कहता है सच में वो है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आप ये सीरीज उनके साथ बांटें। इसे आप हमारी ऐप के द्वारा कर सकते हैं। ये आपकी मदद करता है कि आप हमारे ऐसे सैकड़ों प्रोग्राम को देखें कहीं भी किसी भी समय पूरी तरह मुफ्त में। तो ये ऐप डाउनलोड कीजिए, बस अपने डिवाइस के ऐप स्टोर में जाइए और सर्च करें द जॉन एंकरबर्ग शो। इसे इंस्टॉल करने के बाद आप हमारे Q&A वीडियो को भी देख पाएंगे, जहां संसार के महान विद्वान जीवन के सबसे मुश्किल सवालों का जवाब देंगे। आप इन सारे स्रोतों को मुफ्त में पा सकते हैं हमारी वेबसाइट के द्वारा भी, jashow.org पर। यहाँ पर हमने 8000 से ज्यादा आर्टिकल्स रखे हैं जो यीशु के अस्तित्व के बारे में सबूत देते हैं और उसके पीछे चलने का मतलब क्या है। अगर विश्वास के बारे में आपके पास मुश्किल सवाल हैं, तो इसे देखना बहुत ही अद्भुत होगा। हालांकि ज्यादातर भाग इंग्लिश में, लेकिन ऐसे बहुत से वेब ब्राउजर्स हैं जो तुरंत आपके लिए इसका अनुवाद कर सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कि आप बहुत से मुश्किल परिस्थितियों में से जा रहे हैं और आपको प्रार्थना करवानी है, तो स्क्रीन पर दिए गए इस फोन नंबर पर अभी आप फोन कीजिए। हमारे पास अद्भुत लोगों की ऐसी टीम है जो आपसे बातें करके आपके लिए प्रार्थना करना पसंद करेगी। यदि आपके कोई सवाल है तो जवाब देंगे। अगर इस प्रोग्राम के दौरान परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है या जीवन के किसी क्षेत्र में आपकी कोई जरूरत है, तो कृपया करके हमें फोन करने के लिए बिल्कुल न हिचकिचाएं। शायद आप पहली बार ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आपने ये जाना है कि यीशु ही परमेश्वर का प्रतिज्ञा किया गया मसीहा है। अगर आप अपने पापों के लिए उसकी क्षमा को प्राप्त करना चाहते हैं और उसके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि स्क्रीन पर दिए इस नंबर पर फोन कीजिए, हमारी ऐप पर जाइए या हमारी वेबसाइट पर और क्लिक कीजिए प्रे टू एक्सेप्ट जीसस पर। हमारा प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि अगले हफ्ते इसी समय आप फिर से जुड़ जाएंगे जॉन एंकरबर्ग शो के एक और एपिसोड के लिए, और तब तक प्रभु आपको आशीष दे। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। और मैं सोचता हूँ कि दाऊद गड़बड़ी में था, नहीं, वो मेरा पुत्र है, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, सुलेमान मेरा पुत्र होगा और बेटे के बेटे के बेटे का बेटा, यानी इस तरह से यीशु नसरी के आने तक वे वही था, परमेश्वर का अवतार लिया हुआ पुत्र।